खबर आईपीएल से। कल के मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 142 रन बनाया। सनराइजर्स हैदराबाद के मनीष पांडे ने सबसे ज्यादा 38 गेंद में 51 रन की पारी खेली। इसके जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 18 ओवर में 3 विकेट में 145 रन बनाकर जीत दर्ज की। कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से सबसे ज्यादा शुभम गिल ने 62 गेंद में 70 रन बनाकर नाबाद रहा। आज के मैच में राजस्थान रॉयल्स का किंग्स इलेवन पंजाब के बीच भिड़ंत 7:30 बजे होगा। यह आईपीएल 2020 का 9वां मैच होगा। अगर आप आईपीएल के दीवाने हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने टीम के बारे में जरूर कमेंट्स करें। खबर झारखंड और देश विदेश से। रघुवर दास और अर्पणा देवी को भाजपा ने दी बड़ी जिम्मेदारी। समीर उरांव एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय टीम में झारखंड के 3 लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी के अलावा राज्यसभा सांसद समीर उरांव को भी जगत प्रसाद नड्डा की टीम में अहम जिम्मेदारी दी गई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी को भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं राज्यसभा सांसद समीर उरांव को अनुसूचित जनजाति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय टीम में झारखंड के 3 लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जुड़ी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामेश्वर मुर्मू की हत्या की जांच सीबीआई से कराने की प्रस्ताव पर दी सहमति। अमर शहीद सिद्धू कानू के वंशज रामेश्वर मुर्मू की हत्या की घटना की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से कराने की प्रस्ताव पर शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सहमति दे दी है। रामेश्वर मुर्मू की हत्या 12 जून 2020 को हुई थी। स्वर्गीय रामेश्वर मुर्मू की हत्या की घटना की जांच सीबीआई से कराने के लिए विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों द्वारा मांग की जा रही थी। इस संबंध में पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक द्वारा इस घटना की सीबीआई जांच के लिए मुख्यमंत्री के पास प्रेस विज्ञप्ति थी। झारखंड में कब खुलेंगे स्कूल, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने दी जानकारी। झारखंड में जल्द ही सरकारी और निजी स्कूल खुल जाएंगे। झारखंड सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने गाइडलाइंस के बारे में भी बता दिया है और कहा है कि जल्द ही स्कूलों को खोलने पर सरकार निर्णय लेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अन्य राज्यों की गाइडलाइंस पर भी झारखंड सरकार विचार कर रही है। इन राज्यों की गाइडलाइंस का अध्ययन करने के बाद स्थिति को देखते हुए स्कूलों को खोलने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि शुरू में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को सीमित संख्या में स्कूल जाने की अनुमति देने पर विचार चल रहा है। झारखंड में स्कूलों को खोलने से जुड़ी हर खबर से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। इस दौरान बच्चे स्कूल में जाकर क्लासरूम में पढ़ाई नहीं कर सकेंगे, सिर्फ शिक्षकों से मिल सकेंगे और अपनी आशंकाओं का समाधान कर सकेंगे। एक तरफ से छात्रों को अभिभावकों की अनुमति के बाद कंसल्टेशन के लिए स्कूल जाने के देने का विचार किया जा रहा है। उपचुनाव से पहले गरमाया बिजली आपूर्ति का मुद्दा, बीजेपी एमएलए ने सरकार को दिया चैलेंज। झारखंड के बेरमो और दुमका में उपचुनाव को बिगुल बजते ही अब बोकारो में नेताओं के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है, जहां झारखंड के शिक्षा मंत्री ने बीजेपी को घटकरे में खड़ा करते हुए बिजली के मामले में पहले ही रघुवर सरकार पर तंज कसा है। वहीं बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए शिक्षा मंत्री और जेएमएम के गठबंधन की सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अब बिजली सुधारने चले, जब जिस विभाग में यह खुद है वहां लाइन लगाकर खुद फीस जमा कर रहे हैं, पहले उसको तो सुधार लें। कार मोटरसाइकिल बांटने के बाद अब मैट्रिक और इंटर के छात्रों को 3 लाख रुपए तक कैश देंगे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। झारखंड के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि झारखंड के माध्यमिक और इंटरमीडिएट के मेधावी छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पहल पर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा राज्य में वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 के मेधावी
छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की स्वीकृति दे दी है। माध्यमिक में प्रथम आने वाले विद्यार्थी को 1,00,000 रुपये, द्वितीय को 75,000 तथा तृतीय को 50,000 रुपये मिलेंगे। इंटरमीडिएट विज्ञान वाणिज्य और कला में प्रथम आने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को 3,00,000 रुपये दिए जाएंगे। द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को क्रमशः 2,00,000 रुपये और 1,00,000 रुपये दिए जाएंगे। आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद नहीं हो पा रहा है इलाज। खबर रामगढ़ प्रखंड के तलवेरवा पंचायत अंतर्गत पूर्णिया गांव के चंद्रशेखर महतो को सरकारी सिस्टम पर से विश्वास उठ चुका है। लाल कार्ड एवं आयुष्मान भारत योजना तहत बने गोल्डन कार्ड रहने के बाद भी वो अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं। बीते कई दिनों से चंद्रशेखर बिस्तर पर रहकर उब चुका है। वो अपने आस पड़ोस के लोगों को कहता है कि यदि उसका इलाज नहीं हुआ तो वो आत्मदाह कर लेंगे। चंद्रशेखर महतो का एक पैर में फाइलेरिया हो गया है। इन दिनों पैर इस कदर फूल गया है कि उसमें घाव हो गया है और प्रतिदिन घाव से पस निकलता है। चंद्रशेखर ने बताया कि उसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब है। घर के कई सदस्य बीमार है। अपना पैर को झारखंड के कई जगहों पर दिखाया। सभी डॉक्टरों ने कहा इसका भेलोर में ऑपरेशन कराने की बात कही। उनके पास गोल्डन कार्ड भी है लेकिन वो अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं। बताया कि भेलोर में गोल्डन कार्ड को कोई महत्व नहीं है। पीएम आवास के लिए जन सेवक व प्रधान मांग रहे हैं रुपये। बरहेट प्रखंड की लबरी पंचायत के गिल्हा गांव के दिलीप मंडल और प्रदीप कुमार मंडल ने बीडीओ संजय सोमनाथ बनर्जी को आवेदन दिया है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना में अनुशंसा के नाम पर जन सेवक और प्रधान पर 40,000 रुपये मांगने का आरोप लगाया हुई शिकायत की है। आवेदन में जिक्र किया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में डाटा व सूची के नाम अंकित है लेकिन लबरी के पंचायत सेवक महेश कुमार मालतो व ग्राम प्रधान गिल्हा के प्रधान मरांडी अनुशंसा एवं जियो टेक के लिए 20,000 रुपये की मांग कर रहे हैं। जांच की जन सेवक पर कार्रवाई करने की मांग की है। झारखंड में कोविड-19 के 1,261 नए मरीज सामने आए, 9 और संक्रमितों की मौत। झारखंड में गत 24 घंटे में कोरोना वायरस के संक्रमण से 9 और व्यक्तियों की मौत हो गई है, जिन्हें मिलाकर राज्य में अब तक इस महामारी से कुल 664 व्यक्तियों की जान जा चुकी है। वहीं इस अवधि में कोविड-19 के 261 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 77,709 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शनिवार दिन में जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटों में 9 और कोविड-19 मरीजों की मौत हो गई है, जिन्हें मिलाकर राज्य में संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 664 तक हो गई है। और खेल जगत से IPL 2020 में परचम लहरा रहे झारखंड के क्रिकेटर, जानिए कौन किस टीम से जुड़ा है। दुनिया के सबसे चर्चित क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग 13वां संस्करण शुरू हो चुका है। कोविड-19 के कारण इस बार यह लीग UAE में खेला जा रहा है। 2008 में शुरू हुई इस लीग के पहले संस्करण से विभिन्न टीमों की ओर से झारखंड के क्रिकेटर भी जलवे दिखा रहे हैं। इस बार भी लीग झारखंड के 8 खिलाड़ी अलग अलग टीमों से खेलते नजर आ रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी को चेन्नई सुपर किंग्स ने रिटेन रखा है। इसी टीम में तेज गेंदबाज मोनू कुमार भी शामिल है। सौरभ तिवारी, ईशान किशन और अनुकूल राय मुंबई इंडियंस से जुड़े हैं। वरुण एरोन राजस्थान रॉयल की ओर से खेलेंगे। वही शहबाज नदीम और युवा बल्लेबाज विराट सिंह सनराइज हैदराबाद की ओर से खेलते दिखेंगे। कोरोना से हार गए बाला सुब्रमण्यम, 52 दिन से मौत से संघर्ष कर रहे थे गायक SP बाला सुब्रमण्यम का निधन। प्रसिद्ध गायक SP बाला सुब्रमण्यम का अंतिम संस्कार शनिवार को तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले के थमाराई पक्कम गांव में उनके फॉर्म हाउस पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित व कई भाषाओं में हजारों गीत गाने वाले 74 वर्षीय दिग्गज गायक का निधन शुक्रवार को चेन्नई के MGM हेल्थ केयर हॉस्पिटल में हो गया था। कृषि बिलों के खिलाफ पंजाब में रेल रोको आंदोलन 29 सितंबर तक रहेगा जारी। पंजाब में कृषि बिल के खिलाफ किसानों का रेल रोको आंदोलन 3 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है और अब 29 सितंबर तक जारी रहेगा। किसान मजदूर संघर्ष समिति के राज्य सचिव सरवन सिंह पंडेर ने कहा, जब तक हाल ही में पारित हुए कृषि बिल को वापस नहीं ले लिया जाता तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। बिहार के लिए बड़ी खुशखबरी,
बिहार के सीएम बोले लड़कियों को 12वीं पास करने पर 25,000 और ग्रेजुएट होने पर 50,000 देंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कहा वह इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने वाली लड़कियों को 25,000 और ग्रेजुएट होने वाली लड़कियों को 50,000 देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वह कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक नया विभाग बनाएंगे जिसके अंतर्गत ITI और पॉलिटेक्निक संस्थान आएंगे। दिल्ली के पुलिस कर्मियों ने जब्त किया 160 किलो गांजा, रिपोर्ट किया 1 किलो, 4 सस्पेंड। उत्तर पश्चिम दिल्ली के जहांगीरपुर थाना के 2 सब इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिसकर्मियों को 160 किलोग्राम गांजा जब्त करने के बाद सिर्फ 1 किलो गांजा रिपोर्ट करने पर बाकी गांजा बेचने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। एक पुलिस अफसर ने बताया कि संदिग्ध ड्रग विक्रेता को पुलिसकर्मियों ने कथित तौर पर रिश्वत लेकर छोड़ दिया था। NDA में वापस आए जीतन राम मांझी को चुनाव से पहले बिहार सरकार ने दी Z+ सुरक्षा। NDA में वापस आए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व हम प्रमुख जीतन राम मांझी को विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने Z+ सुरक्षा दी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री लालू या राबड़ी की Z+ सुरक्षा बरकरार रखी गई है। सुरक्षा बंदोबस्त में बदलाव के बाद राज्य में अब कुल 31 VIP के पास सुरक्षा कवर है। 1 अक्टूबर से हलवाई की दुकान पर बिकने वाली मिठाई के एक नए नियम होंगे लागू। अब जरूरी हुई ये चीजें बताना। सरकार स्थानीय दुकान यानी आपके पड़ोस वाली हलवाई की दुकान पर मिलने वाले खाने पीने के सामान की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए सरकार ने नए नियम लागू करने का फैसला किया है। 1 अक्टूबर 2020 के बाद से स्थानीय मिठाई की दुकानों को भी परातों एवं डब्बों में बिक्री के लिए रखे गए मिठाई के लिए निर्माण की तारीख तथा उपयोग की वस्तु अवधि जैसे जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। मौजूदा समय में इन वितरणों को पहले से बंद डब्बों में मिठाई के डब्बे पर उल्लेख करना अनिवार्य है। बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की समय सीमा व कारोबारियों को बतानी होगी। कितने समय तक उसका इस्तेमाल ठीक रहेगा उसकी समय सीमा की जानकारी उपभोक्ताओं को देनी होगी। प्रधानमंत्री अन्न योजना से 36,000 कार्ड धारक लाभान्वित। प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत जिले के 36,000 राशन कार्ड धारकों को सीधा लाभ मिल रहा है। जिला पूर्ति विभाग ने दिसंबर तक राशन की आपूर्ति भी कर दी है। अन्न योजना के तहत प्रत्येक कार्ड धारक को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम अन्न अधिक दिया जा रहा है। बता प्रधानमंत्री अन्न योजना जिले के गरीब परिवारों के लिए कोरोना काल में वरदान साबित हो रहा है। कोरोना के कारण जिले में 50,000 से अधिक प्रवासी घर लौटे हैं। वह ग्रामीण क्षेत्रों के में खेती पाती आदि काम भी कर रहे हैं लेकिन उपज को अभी समय है। प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत प्रवासी समेत ग्रामीण को 5 किलो राशन अतिरिक्त मिल रहा है जिससे 36,000 राशन कार्ड धारकों को लाभ मिला है। साइबर ठगी का नया तरीका। पीएम किसान योजना के नाम पर लिया गया बैंक डिटेल उड़ाए 58,552 ठग ने खुद को एग्रीकल्चर ऑफिसर बताया। साइबर अपराध करने का तरीका हर दिन बदल रहा है। साइबर अपराधी रोज नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं ताकि लोग उन्हें पकड़ नहीं सके और उनका धंधा चलता रहे। इस बार साइबर अपराधियों ने पीएम किसान योजना की राशि ट्रांसफर करने के नाम पर जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले अखिलानंद ओझा से 58,552 रुपए की ठगी कर ली है। घटना 5 सितंबर की है। इस संबंध में अखिलानंद ओझा ने जगन्नाथपुर थाने में ठगी करने वाले मोबाइल नंबर के विरुद्ध प्राथमिकता दर्ज कराई है। मनरेगा के माध्यम से दिसंबर महीने तक प्रतिदिन 10 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य आलमगीर आलम ने कहा कि झारखंड गठन के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब जून से लेकर सितंबर के बीच मिट्टी का काम बंद होने के बावजूद मनरेगा की विभिन्न योजनाओं के तहत 6.35 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान लाखों प्रवासी श्रमिक अपने घर वापस लौट आए। उन्होंने रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार की ओर से 3 नई योजनाएं सहित पोटो खेल योजना, जल समृद्धि योजना व बिरसा हरित ग्राम योजना की शुरुआत की गई। इन योजनाओं के माध्यम से प्रतिदिन 6 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिल पा रहा है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को साग सब्जी उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए पोषण वाटिका योजना की शुरुआत की गई। दिल्ली से मेरठ के बीच दौड़ेगी रैपिड रेल। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली देश की पहली ट्रेन। दिल्ली से मेरठ के बीच चलने वाली देश में निर्मित पहली रैपिड ट्रेन बनकर तैयार है। यह ट्रेन 180 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने और शताब्दी जैसी सुविधाएं इस ट्रेन में यात्रियों को मिलेगी। शुक्रवार को शहरी विकास मंत्रालय सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने इस ट्रेन का पहले लुक का अनावरण किया। यह ट्रेन वाईफाई व शताब्दी सीटों वाली होगी।
दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि यह बहुत गर्व की बात है कि ये उच्च गति उच्च आवृत्ति वाली RRCTC ट्रेन पूरी तरह से भारत सरकार की मेक इन इंडिया नीति के तहत निर्मित की जा रही है। ये ट्रेनें पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा संकुशल होने के साथ साथ NCR और आसपास के क्षेत्रों के आर्थिक विकास में तेजी लाएगी। इससे नए आर्थिक अवसर पैदा होंगे और वायु प्रदूषण कार्बन फुटप्रिंट भीड़ भाड़ और दुर्घटना को कम करने के लोगों के जीवन की गुणवत्ता को सुधार लाएगी। रांची से 10 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन जल्द, 2 चरणों में चलेगी ट्रेनें। रांची से ट्रेनों का परिचालन शुरू होने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। रांची से ट्रेन सेवाएं जल्द ही दोबारा शुरू हो सकती है। रांची रेल मंडल ने महत्वपूर्ण 10 जोड़ी ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव रेल मुख्यालय को भेजा है। इनका परिचालन 2 चरणों में करने की तैयारी चल रही है। रेलवे के अधिकारी ने बताया कि त्योहारों में झारखंड से हजारों लोगों को ट्रेनों के जरिए आवागमन करते हैं। रांची रेल मंडल ने तैयारी शुरू कर दी है। 2 चरणों में 5-5 ट्रेनों चलाने के लिए सूची मुख्यालय को भेजी गई। उम्मीद है कि जल्द ही ट्रेनों का परिचालन की तिथि घोषणा कर दी जाएगी। चेक भुगतान को सुरक्षित बनाने के लिए रिजर्व बैंक का कदम, 1 जनवरी से नई व्यवस्था। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक धोखाधड़ी रोकने के लिए 1 जनवरी 2021 से चेक के लिए सकारात्मक भुगतान व्यवस्था शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 50,000 रुपये से अधिक भुगतान वाले चेक के लिए महत्वपूर्ण ब्यौरा के बारे में दोबारा से पुष्टि करने की जरूरत होगी। इस सुविधा का लाभ उठाना खाताधारक पर निर्भर करेगा। हालांकि बैंक 5 लाख रुपये और उससे अधिक की राशि वाले चेक के लिए व्यवस्था अनिवार्य कर सकते हैं। सकारात्मक भुगतान व्यवस्था तहत चेक जारी करने वाले को SMS, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या ATM जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक के बारे में कुछ न्यूनतम ब्यौरा देना होगा। इसमें तारीख, लाभार्थी के नाम, प्राप्तकर्ता और राशि के बारे में जानकारी देनी होगी। झारखंड सरकार पर DVC का बकाया, 1800 करोड़ का लोन लेगी राज्य सरकार। DVC के बकाए के मामले में केंद्र ने राज्य सरकार को नोटिस दिया है। अब राज्य सरकार DVT के बकाए के भुगतान के लिए केंद्र सरकार से ही लोन लेने की योजना तैयार कर रही है। सूत्रों के अनुसार भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत बिजली वितरण कंपनी को उत्पादक कंपनियों का बकाया चुकाने के लिए 90,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। झारखण्ड सरकार इस योजना के तहत 1800 करोड़ रुपये लोन लेने के पर विचार कर रही है ताकि DVC के बकाए को चुकाया जा सके। यह सॉफ्ट लोन होता है जिससे 3 साल तक कोई ब्याज नहीं देना होता है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।